हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो इन यूट्यूब चैनल। इसका नाम है CENT, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखते हैं समरी टेस्ट। फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मैंने बताया था आपको कि जो ये है आपका एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, उसमें से डिडक्शन है, तो इसमें कितनी आप नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगेगी। ब्रिक्स क्या था? इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं इसमें से कुछ बाहर से नहीं ले गया हूँ, जो मैंने चैनल में सीखा है वही आपसे समरी कर रहा हूँ ऑनली, ठीक है। वही आपको इसमें फाइंड आउट करना होता है। तो आज इसमें मैं सभी का आंसर दूंगा, नंबर्स ऑफ ब्रिक। जिसने भी आपने कैलकुलेशन निकाली हुई है वो अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, या फिर जिसको नहीं निकाली है वो इस तरह से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या था? नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी इसमें, स्टैंडर्ड कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक लगेगी इस वॉल में। आपका साइज है डिफरेंट डिफरेंट, मीटर में है, फिट में है, ठीक है। और ऐसे ही डोर एंड विंडो का साइज भी डिफरेंट, विंडो लेंथ एंड ब्रेथ में है। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ प्लास्टर। इसमें एरिया ऑफ प्लास्टर हमें कैलकुलेशन निकालना होता है, और इसके बाद हमें इसमें जो साइज लगेगा, अगर आप वॉल पे सपोज कीजिए कोई सब वॉल लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टोन लगा रहे हैं, कोटर स्टोन हो सकता है या फिर आपका रेड स्टोन हो सकता है, जो भी आप स्टोन लगा रहे हैं, सपोज कीजिए इसकी जगह पर आप वॉल टाइल ही लगा रहे हैं, तो वो भी साइज आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका सभी आंसर आज इस वीडियो में दूंगा। सेकेंड पॉइंट कौन सा है आपका? ये रोड, ठीक है। ये रोड हमें किस में निकालना है? आपका इंच में है, सेंटीमीटर में है, गज में है, सूत में है, तो ये सभी हमें क्या निकालनी है? मेजरमेंट निकालनी है रनिंग लेंथ में। इसकी किस में लेंथ होनी चाहिए आपकी? मीटर में होनी चाहिए, फीट में होनी चाहिए और गज में, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं जितनी भी यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ वो सीरियल वाइज लेकर आता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक वीडियो मिस कर देते हैं तो आप उसमें पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे जाते हो वीडियो को देखने के लिए, फिर वो नया टॉपिक आपसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई वीडियो आप मिस ना कीजिए। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप नॉलेज को सक्सेस करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें हमें देखना है आपके पास वॉल का साइज है 3 मीटर आपकी हाइट है, और 16 फुट 4 इंच आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए, मैंने ये कैलकुलेशन निकाल लिया, आप अपना चेक करते रहिए। इसमें हमारे पास है लेंथ, लेंथ क्या फ्रेंड्स? 16 फीट 4 इंच है। इसको क्या करना है आपको? फिट में बनाना है, टोटल फिट में, क्योंकि आप मेजरमेंट निकाल रहे हैं फिट में, ठीक है। तो 16 फीट 4 इंच आपके पास है, तो 16 फीट एज इट इज़ है, और प्लस 4 फीट को आपने क्या किया, 4 इंच को फिट में कन्वर्ट किया, तो 4 बाई 12। अगर आपके पास 1 फीट होता है, 1 फीट में होता है 12 इंच, तो 1 इंच में कितने होंगे? तो 1 बाई 12, तो ये 12 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल है, 4 बाई 12, 4 बाई 12 इक्वल टू 16.33 फीट इसका लेंथ आ जाएगी। लेंथ आएगी क्या इसके? कितने फीट के बराबर होगा? 16.33 फीट के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपके हाइट, हाइट क्या है आपके पास? मीटर में। ये भी क्या करनी है आपको? मीटर फिट को फिट में कन्वर्ट करनी है। तो हाइट क्या है? 3 मीटर, तो 3 × 2.8, बिकॉज 1 फीट होता है, 1 फीट इक्वल टू 3.28। तो ये भी मैंने कन्वर्जन फैक्टर बनाया हुआ है, उसमें आप देख लेना एक मीटर कितने फीट होते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने फीट होते हैं, कन्वर्जन टेबल, ठीक है। और ये हाउ टू कन्वर्ट वो भी वीडियो बनाई हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में देख लेना, सब वीडियो मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एरिया का आया। अब इस वॉल का टोटल एरिया हमें निकालना है, एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू 16.33 आपके पास है, लेंथ है और हाइट है, ठीक है। तो एरिया क्या आता है? दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 160.68 फीट स्क्वेयर, लेंथ एंड ब्रेथ या फिर हाइट या फिर, ठीक है, ठीक है, जो भी दो डायमेंशन के पास है तो उससे क्या आएगा आपका? एरिया आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमें देखना है, डिडक्शन करना है, हमें क्या निकालना है? इसमें प्लास्टर निकालना है, इसमें सरफेस जहाँ जहाँ पत्थर लगे वो निकालना है, विंडो में तो लगा नहीं सकते ऊपर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिडक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना है? डिडक्शन। अब देख लेते हैं डोर का साइज क्या है आपके पास? लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर और 3 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसकी हाइट है 2 मीटर। लेंथ या फिर हाइट कितनी है? 2 मीटर। कन्वर्ट करना है आपको फिट में, तो 2 × 3.28, अगेन 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होते हैं, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेशन करने पर आता है 6.56 फीट आ जाएगा, ठीक है, आपकी लेंथ आ जाएगी। 2 मीटर बराबर होगा आपका 6.56 फीट के बराबर। उसके बाद देखते हैं ब्रेथ, आपकी जो चौड़ाई है 3 फीट है, 3 फीट एज इट इज रख लिया मैंने, तो एरिया निकालना है अभी हमें इसका, तो 6.56 × 3। अब इसका एरिया क्या है वो टोटल?
लेंथ आपके पास है और ब्रेथ है, तो एरिया ये हो गया। ये हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है टोटल एरिया में से, तो तभी आपका प्लास्टर का एरिया निकल पाएगा, तभी आपका स्टोन निकल पाएगा और तभी आपकी ब्रिक्स निकल पाएगी। ठीक है, विंडो, अब हमें क्या निकालना है, विंडो लेंथ है आपके पास 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच है और 1 फीट 6 इंच है, तो 4 फीट 3 इंच बराबर होता है 4 प्लस ये क्या हुआ 3 इंच, 3 इंच को क्या करना है आपको फीट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट, आप क्या निकाल रहे हैं कैलकुलेशन, ये आपके पास मेजरमेंट, तो मेजरमेंट को आपने कैलकुलेशन किया 3 डिवाइड बाई 12, ये क्या किया आपने 3 इंच को भी आपने फिट में कन्वर्ट किया, तो इक्वल टू 4.25 फीट। ठीक है, 4.25 फीट हो गया, और हाइट क्या है विंडो होगी 1 फीट 6 इंच, तो 1 फीट प्लस 6 इंच है, इंच को भी आपने क्या किया फिट में कन्वर्ट किया, तो 6 बाई 12 इक्वल टू 1.50 फीट, ये भी आपका फिट में आ जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया ऑफ विंडो, एरिया क्या आता है लेंथ आपके पास है और ब्रेथ है, लेंथ आपके पास 4.25 और हाइट है आपके पास 1.50, तो एरिया आ गया आपके पास फिट स्क्वायर में। ठीक है, इन दोनों कैलकुलेशन करने पर फिट स्क्वायर, आपके पास डोर का भी एरिया आ चुका है, विंडो का भी एरिया आ चुका है, टोटल एरिया आपके पास, बस सिंपल नंबर पॉइंट क्या है एरिया प्लास्टर हमें निकालना है, तो एरिया प्लास्टर आपके पास क्या आ जाएगा कवर्ड एरिया माइनस जहाँ जहाँ पे आपका प्लास्टर, यहाँ पे आपका प्लास्टर लगा होगा, यहाँ पे आपको प्लास्टर करना है, यहाँ प्लास्टर करना है, तो इसमें क्या करेंगे डोर विंडो आप नहीं करेंगे ना, तो यह क्या होगा डिडक्शन होगा। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ वॉल माइनस डिडक्शन एरिया ऑफ डोर एंड विंडो, हमें एरिया ऑफ वॉल है टोटल 160.68 जो आपने हमें निकाला था यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में लेंथ ब्रेथ हाइट से कैलकुलेशन करने से एरिया निकल गया था, उसके बाद करना है डिडक्शन डोर का एंड विंडो का, तो डिडक्शन क्या है, ये डोर का निकाला था 19.68, कहाँ से, यहाँ से निकाला था डोर का। ठीक है, 19.68 वही हमने यहाँ पे रखा पुट किया, प्लस डोर का हो गया, विंडो का भी डिडक्शन करना है हमें, तो विंडो का क्या निकाला था आपने यहाँ पे 6.37, तो ये 6.37 दोनों को प्लस करने पर जो इसमें से डिडक्शन होगा वो क्या बचा आपके पास, टोटल एरिया क्या बचा 133.95 फीट स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया प्लास्टर का बचेगा आपके पास ये एरिया। अब हमें निकालना है ब्रिक्स, अब ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, ब्रिक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉल, आपके पास वॉल्यूम है, वॉल की कितनी वॉल्यूम है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार, क्योंकि आप ब्रिक मेजरिंग के अंदर निकाल रहे हैं ब्रिक्स, ना कि बाहर रखी हुई। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या करना है आपको, देखिए ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ द वॉल इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक है, एरिया है आपके पास 133.95, एरिया है 133.95। ठीक है, वो एरिया आपके पास प्लास्टर का एरिया है ना, जो वही है, क्योंकि डिडक्शन आपके डोर विंडो हो चुकी है, टोटल एरिया आपके पास कवर्ड एरिया आ चुका है जहाँ जहाँ पे आपको ब्रिक मेजरिंग करनी है। ठीक है, आपको ब्रिक मेजरिंग डोर विंडो के अंदर तो करेंगे नहीं ना, तो इसलिए आप जो जहाँ पे ये ब्रिक मेजरिंग हुई है वही निकालेंगे आप। ठीक है, एरिया आपके पास है और वॉल्यूम, आपके पास है एरिया और थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस क्या है फ्रेंड्स, इसको आपने क्या किया था फिट में कन, ये आपका आया था फिट में। ठीक है, ये आपका फिट स्क्वायर में आया था, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिट स्क्वायर को आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपकी ब्रिक्स है ना, जो एक ब्रिक का साइज आएगा बहुत छोटा आता है, तो इसको बहुत छोटा आता है, तो इसको थोड़ा और आसान करने के लिए आपने क्या किया मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए, साइज ऑफ द ब्रिक विदाउट मोर्टार के पास जो साइज होता है 213 x 115 x 75 मिलीमीटर होता है साइज ब्रिक का। ठीक है, अगर हम साइज करते हैं विद मोर्टार के साथ तो 230 इसलिए है क्योंकि आपकी थिकनेस है, थिकनेस एक ही ब्रिक लग रही है, उसके बराबर में कोई ब्रिक तो नहीं लग रही ना आपकी, ये कोई वॉल है। ठीक है, तो इसमें आपके साइड में लग रही है, तो इसके फेस में जो लग रही है जो चौड़ाई है वो तो फिक्स है ना, तो चौड़ाई फिक्स है, इसलिए मोर्टार आपका कहाँ यूज हो रहा है, लेंथ में एंड ब्रेथ में। ठीक है, विड्थ एंड थिकनेस में जो उसका आपका मोटा यूज हो रहा है, तो मैंने वही लिया है, चौड़ाई आपकी सेम है, बिल्कुल फिक्स है, कोई मोटर का दोनों साइड में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये ब्रिक का साइज है, ये आपका ब्रिक है। ठीक है, ये इस तरह से, तो इसका फेस, ये आपकी फेस है, तो इस साइड में आपका मोटर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोटर यूज नहीं हो रहा फेस में, बाहर में या बैक साइड में, तो साइड में हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है मोटर, ये इधर नीचे हो रहा है। ठीक है,
तो 230 इंटू 115 25, इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं मीट उसमें, इसमें करता है 1000 से, इसको भी 1000 से, इसको भी 1000 से, तो कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी मीटर क्यूब में। इतना से मोटा स्टैंडर्ड जो लेते हैं 10 mm, ठीक है, वही क्या है, तो 133.95 इंटू 0.0929 अपने मीटर फीट स्क्वायर में है और आपने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये आपका क्या आ गया टोटल मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। और आपके पास है ब्रिक का थिकनेस, ब्रिक की जो आपकी जो विड्थ है, ब्रिक जो आपकी वॉल है, वॉल की जो चौड़ाई है वो है आपकी 9 इंच, तो वॉल की चौड़ाई क्या है 9 इंच, ठीक है, 9 इंच को क्या करते हैं, 9 इंच बराबर होता है 230 mm के बराबर, ठीक है, वॉल की जो चौड़ाई है। तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम आ गई आपकी 2.86 मीटर क्यूब, इन दोनों को कैलकुलेशन किया और इसको कैलकुलेशन किया, तीनों कैलकुलेशन करने पर आपके पास मीटर क्यूब में वो आ जाएगी क्वांटिटी वॉल की, ठीक है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की, वॉल्यूम क्या आई है आपके पास, है वॉल की चौड़ाई, मोर्टार आपका यूज़ हो रहा है ब्रेथ में एंड थिकनेस में, ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगी टोटल मीटर क्यूब में 0.002443 75, इन तीनों को कैलकुलेशन करते हैं ये आती है, जो यहाँ पे कंडीशन वो है, ठीक है। ये आपके पास है मिलीमीटर में, एक मिलीमीटर में होता है 1/1000, क्योंकि एक मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है, आपके पास मीटर क्यूब में आ जाएगी। फीट क्यूब में निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, माइनस में पहुंच जाती है, बहुत माइनस में 0.0000 बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आसान करने के लिए आपको बस ओनली मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्लियर। चलिए आपके पास है वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गई है और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आ गई है, बस सिंपल आपका कर देंगे, एक वॉल है आपके पास, एरिया आ गया वॉल का, वॉल्यूम आ गई 2.86, ये क्या है मीटर क्यूब, ठीक है। और एक ब्रिक की मीट, एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है पास 0.002443 75। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, दूसरा तरीका क्या आपके पास, क्योंकि एरिया निकाले हम सरफेस एरिया, चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप इसमें क्या कर लीजिए, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, और एरिया ऑफ वन ब्रिक, सिंपल। एरिया ऑफ वॉल क्या आएगा आपके पास, जीरो, एरिया ऑफ वॉल आपके पास है 133.95, ये आपके पास एरिया है, डिवाइड बाय आपके पास है एरिया कहाँ पे लग रहा है, जो चौड़ाई आपके पास ये लग रही है ना, आपके पास 230 जो चौड़ाई है तो नहीं लग रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे 0.125 × 0.085, ये क्या आपके पास चौड़ाई होगी ब्रिक का, जो सेक्शन बनेगा आपकी ये वॉल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके पास ये लगती है इस तरह से बड़ी बड़ी वॉल, ठीक है, ईंट लगती है, तो सामने से देखो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है मोर्टार आपका, एक ईंट का फेस, तो ये बढ़ रही है, ये थिकनेस बढ़ रही है और ये विड्थ बढ़ रही है, तो विड्थ हो गई और थिकनेस हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन निकालते हैं, क्या यही आता है एरिया से भी, वॉल्यूम से भी यही आएगा, वॉल्यूम एरिया से भी यही आएगा। एरिया है आपके पास वॉल का 133, पहले इसका निकाल लेते हैं, वन ब्रिक का, वन ब्रिक का क्या है 0.125, ये आपका 10 mm बढ़ रहा है, 115 वो होता है ना, 230 × 115 × 75, ठीक है, तो ये बढ़ी साइज, ये बढ़ा, ये आपके क्या हो गई चौड़ाई होगी वॉल में। अब निकाल लें टोटल एरिया, तो 125 × 0.85, ठीक है, 75 mm है ना, इसको 1000 से कन्वर्ट किया हमने, तो 0.125 × 0.085 इक्वल टू 0.010625। एरिया है आपके पास कितना, एरिया है 133.95 डिवाइड बाई 0.010625 इक्वल टू 1260607, इतना आता है। और इससे कितना आता है, ये वॉल्यूम आपके पास है, सॉरी ये क्या था आपके पास फीट में, इसको कन्वर्ट किया आपने मीटर क्यूब में, तो फीट स्क्वायर 0.3048 × यहीं से कर देता हूँ मैं इसको स्क्वायर, इक्वल टू ये आ गया, गुना क्या करना है 133.95 इक्वल टू 12.44 मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर में आ गया, एरिया आपके पास फीट स्क्वायर में, एरिया आ गया वो मीटर स्क्वायर में। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 12.44 डिवाइड बाई
मीटर स्क्वायर में आ गया। और एक एक ब्रिक का वो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइड बाय 0.010625 इक्वल टू 1170। ठीक है, ये आया ना 1170.82 है, 0.82 है। जो कैलकुलेशन आपका थोड़ा बहुत ओनली डिफरेंट होता है बस पॉइंट में ही, ठीक है, वही आ गया ना सेम 1170.82, तो ये 1171 ब्रिक्स लगेगी। ठीक है, इस तरह भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड आप एरिया पर निकाल सकते हैं या फिर वॉल्यूम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपके पास, थर्ड पॉइंट स्टोन साइज। अगर आपके पास है स्टोन रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द वॉल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया है आपके पास वॉल का कितना है 133.95, जहाँ जहाँ पर आपका मोर्ट प्लास्टर वो स्टोन लगेगा, ये है ना आपके पास, ये चीज़ है, यहाँ पे आपका क्या लगेगा पत्थर, कोटा स्टोन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द वॉल है 133.95, जहाँ पे आपको ये हो जाओ, ठीक है 135.95। एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ वन स्टोन क्या था आपके पास 18 इंच और 22 इंच बाई 22 इंच, तो क्या करना है आपको, साइज ऑफ वन स्टोन 22 इंच बाई 22 इंच, तो फीट में बनाना है आपको बस 22/12 गुना 22/12। क्यों करना आपके पास है, ये इंच में है, इंच को कन्वर्ट करने के लिए फीट में बनाना है, तो एक फीट में 12 इंच, तो सिंपल ये किया है, तो 1.83 × 1.83 इनको कैलकुलेशन किया, इसको 1.83 आ गया है, इसको कैलकुलेशन किया 1.83, तो दोनों का कैलकुलेशन किया 3.349 फीट स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल एरिया ऑफ वन स्टोन तो इक्वल टू 39.99 इक्वल टू 40 नंबर्स ऑफ स्टोन लगेंगे। तो ये आपका रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ ये एरिया, ये लंबाई कितनी आएगी। तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो इवनिंग में लेकर आऊँगा मैं न्यू टॉपिक जो आपके समरी होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, अब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।